नमस्कार, आज चर्चा करेंगे सहज सूर्य नमस्कार की। सहज सूर्य नमस्कार वो है जिसे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। इस वीडियो देख करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर किसी कुशल योग गुरु योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। तो आइए शुरू करते हैं सहज सूर्य नमस्कार और देखते हैं इसकी बारीकियों को। अंत में मैं इसके मंत्रों के साथ भी दिखाऊंगा, मंत्रों के साथ कैसे करना है। आप ये भी आज सीख सकते हैं कि कैसे सिखाया जाए, क्लासेज लेने हो तो कैसे धीरे धीरे इसे करें, कैसे सिखाएं लोगों को सहज सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले ये प्रणाम आसन की स्थिति है। इसमें सामान्य श्वास रखते हैं। दूसरे नंबर पे हस्त उत्तानासन है, सांस भरते हुए। तीसरे पे पादहस्तासन, कान से हाथ को सटाते हुए नीचे ले जाते हैं, घुटने से नाक को छूने का प्रयास अथवा नाक से घुटने को छूने का प्रयास करते हैं, सांस छोड़ते हुए है। चौथे स्टेप में अश्व संचालन आसन है, सांस भरते हुए। पांचवे में पैर पीछे ले जाते हैं, पर्वत आसन करते हैं, सांस छोड़ते हुए। और छठे में साष्टांग नमस्कार, इसे अष्टांग नमस्कार भी कहा जाता है, कुछ इस तरह से करते हैं। पहले पैर, ये देख लीजिए पीछे पैर है, उंगलियां जमीन पे है, घुटना जमीन पे आ गया, दोनों घुटने एक साथ मिले हुए, सीना और हाथ जमीन पे, ठुड्डी भी जमीन पे, सांस यहाँ बाहर ही रहेगी। अधिक देर रुकना हो तो सामान्य सांस, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैंने सांस ले लिया, लेकिन जब क्रम से करेंगे, निश्चित समय पे करेंगे, मंत्रों के साथ करेंगे, तो सांसों का यही क्रम होगा जो बता रहा हूं। इसके बाद सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन, सांस भरते हुए फिर से दाहिना पैर ही आगे, सांस छोड़ते हुए फिर से पादहस्तासन, सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन और सामान्य श्वास के साथ प्राणामासन। सांस छोड़ते हुए आएंगे सामान्य श्वास में प्राणामासन। शुरू का और अंत का यही आसन होगा। अच्छा हो यदि आप उगते हुए सूर्य के सामने, बिल्कुल लाल सूर्य, कुछ कुछ सेव की तरह उगता हुआ सूर्य, लालिमा युक्त स्वर्णिम आभा युक्त सूर्य उदित हो रहा हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, नदी का किनारा हो तो और भी अच्छा, घास का मैदान हो अगर नदी के किनारे तो उस जगह पे करना ठीक होता है। हमारे पास अभी सुविधा नहीं है कि हम वहां पे जाकर रिकॉर्डिंग कर सकें, इसलिए मैं यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश में आपको दिखा रहा हूं। जब दूसरा चक्र करते हैं इसे तो बाएं पैर से शुरू करते हैं, बाएं पैर को पीछे ले गए, बाएं को हिलाए और पूरी प्रक्रिया उसी तरह से होती है, इसलिए मैं उसे दिखा नहीं रहा हूं। सिर्फ अश्व संचालन जो चौथा स्टेप है उसमें बायां पैर जाएगा और लौटते समय बायां ही आएगा, उसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। और एक बात बताना चाहूंगा मंत्रों के साथ बताने के पहले कि इसमें कुछ कुछ विवाद भी है, कई योगियों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं इसे गति से करना चाहिए, स्पीड से, ताकि अच्छे से कैलोरी बर्न हो, मतलब कि वजन भी घटे, पसीना निकले। और कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि ये यौगिक आसन है तो इसे पहलवानों की तरह बहुत तेज गति से ना करें, ऐसा नहीं लगे कि हम आए और डंडा भांज के चले गए। दोनों मत अपनी अपनी जगह पे सही है। जिनका ये मानना है कि धीमी गति से संभल संभल के करना है वो प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए ठीक है, लेकिन जिनका अच्छा अभ्यास हो गया है, श्वासों पे अच्छा नियंत्रण हो गया है, वे अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, कोरोना जैसी परिस्थितियां जो चल रही हैं इसमें इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, बाद में अच्छे अभ्यास के बाद जब आप कुशल गुरु के मार्गदर्शन में सीख चुके हैं उसके बाद तेज गति से भी कर सकते हैं। हाथों के बारे में कहीं कहीं आप देख लेंगे सोशल मीडिया पर कई वीडियो हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हस्त उत्तानासन में ऐसे रखें, कुछ लोग कहते हैं ऐसे रखें, और एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जितने पथ उतने मत, अलग अलग पूजा की विधियां, ये अपने देश की विशेषता है और विश्व में भी ऐसा होता है। जितने झंडे, जितने तरह के योग गुरु,
उतने तरह के अलग अलग टीके, किसी का एक टीका, किसी का तीन टीका, हमें इन विवादों में नहीं पड़ना है। ये घी का लड्डू है, आप घी का लड्डू समझ सकते हैं ना, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला कहा जाता है। तो अगर सूर्य नमस्कार को हम घी का लड्डू मान लें तो थोड़ी सी इधर उधर की चूक भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कोई बड़ी चूक ना हो। सांसों का अंतर नहीं होना चाहिए, गौर कीजिएगा। आपको दीर्घायु के लिए, आरोग्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार करना है तो श्वसन क्रम वही होगा जो मैंने अभी बताया, कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे छोड़नी है, इसका ध्यान रखेंगे। स्पाइन को मतलब रीढ़ की हड्डी को कैसे व्यवस्थित करना है, इसका ध्यान रखेंगे। हाथ वाथ थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, विवाद से बचते हुए अच्छी चीज है, इसका लाभ लें, पूरी दुनिया लाभ ले रही है। आइए अब हम शुरू करते हैं मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार। शुरू करते हैं प्रणामासन से। आसनों के नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, अब मंत्रों के साथ करता हूं, स्टेप्स वही है 12। ओम मित्राय नमः, यहां पे ये पहला मंत्र था। अब दूसरा मंत्र और दूसरा स्टेप, हर स्टेप में मंत्र बदलेगा। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। बस ये अंतिम स्टेप था, अब सांसों की गति पे ध्यान दे देंगे नेक्स्ट टाइम। यहां पे सामान्य श्वास है, पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ लें। ये प्रणामासन था, यहां पे सामान्य श्वास। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, ओम सूर्याय नमः, सांस छोड़ते हुए हस्तादासन था ये। ओम भानवे नमः, एक पैर पीछे जाएगा, अच्छा हो आप दाहिना ले जाए, बच्चे ने बायां पैर पीछे लिया है, शुरुआत करनी है दाहिने पैर से, ठीक है, लेकिन बायां पैर से भी अगर आप करते हैं तो चलेगा, ठीक है। ओम खगाय नमः, पर्वतासन, यहां पे सांस छोड़ना है, इसके पहले वाले स्टेप में अश्व संचालन में सांस भरनी थी अंदर। ओम पूषणे नमः, ओम इसमें सांस बाहर ही रखनी है, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सांस भर के अंदर भर के, ओम मरीचये नमः, सांस छोड़ करके, सांस बाहर छोड़ते हुए, ओम आदित्याय नमः, वही अश्व संचालन है सांस भरते हुए, ओम सवित्रे नमः, सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन है ये, पहले भी हमने इसे किया है, दोबारा हो रहा है ये। ओम अर्काय नमः, पुनः सांस भरते हुए, ओम भास्कराय नमः, थोड़ी देर मन को शांत करेंगे, इस स्थिति में उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, भावना करेंगे कि सूर्य देव अपनी सूक्ष्म शक्तियां भी हमें प्रदान करें, स्थूल शक्ति तो उसकी प्राण ऊर्जा के रूप में, और सूक्ष्म शक्ति के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि उसमें विज्ञान की शक्तियां भी निहित हैं, जो लोग लंबे समय तक सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें दिव्य रिद्धि सिद्धियां भी आती हैं, तो उस पर आप खुद भी शोध करें, करते करते कुछ अनुभव हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या मिला। इस बच्चे को 108 चक्र तक एक बार में सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, लेकिन उतना लंबा यदि हम दिखाएंगे तो हो सकता है आप भी उब जाएं और ये वीडियो लंबा हो जाए। समझ में आ गया होगा, एक चक्र में दो स्टेप, 12 12 का दो होता है,
वही मंत्र रिपीट किए जाते हैं। बारहो मंत्र दो बार रिपीट किया जाता है एक चक्र में। पहली बार जो तीसरा स्टेप होता है हमारा अश्व संचालन का, उसमें दाहिना पैर पीछे जाएगा और दाहिना ही लौटते समय वापस आएगा, फिर से जो अश्व संचालन करते हैं। जब दूसरी बार करेंगे मतलब तेरहवां स्टेप, फिर से जब लौटेंगे सूर्य नमस्कार में तो बाएं पैर को पीछे ले गए, उसमें ही आगे आ गए। जो पुरानी पद्धति है उसमें करते थे एक ही पैर से करते थे, दूसरे पैर को वापस लाते थे, वो भी सही है। वो बारह में ही पूरा सूर्य नमस्कार एक चक्र मान लिया जाता था, उसमें भी विवाद नहीं है। कुछ विश्वविद्यालयों में 24 का एक चक्र माना गया, कहीं 12 का, लेकिन ऑलमोस्ट यही स्टेप्स होते हैं। जो प्राचीन पद्धति है उसमें 13 स्टेप होता था, उसमें श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः का भी एक स्टेप होता था जिसे अंत में रखा जाता था, और बीच में एक स्टेप बढ़ता था दंडासन, ये वाला स्टेप किया जाता था। तो जो लोग इस तरह से करते रहे हों, कहीं पे दंडासन एक बीच में जुड़ता है, तो वो चिंतित न हो, उसे भी करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन सामान्य तौर पे इन चीजों से लाभ मिल जाता है। हमने ये 24 स्टेप का सूर्य नमस्कार आपको बताया। हम निवेदन पुनः करेंगे कि अपने निकटतम योग गुरु से या जिसके संपर्क में हो, अगर आपको कोई रोग हो तो उसकी चर्चा करके, आपकी कोई समस्या हो तो उसकी चर्चा करके और इसकी बारीकियों को समझ लें। यदि आपके आसपास कोई योग गुरु नहीं हो और आप कर रहे हो लेकिन सामान्यतः आप स्वस्थ हो, तो आपसे निवेदन है बहुत धीरे धीरे शुरू में करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे। बाद में अच्छा अभ्यास हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए प्रसून वैद्य को। धन्यवाद।